कल्याण ज्वेलर्स से और को लेकर एक और शौक जहां पर अच्छी एक्टिविटी बन रही है वो है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। इस पर बड़ी मूव आ रही है, अगेन गोल्ड से जुड़ा स्टॉक है, 10% की मूव है। आज बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी जहां पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी एक फंड से खरीदी, करीब 2.5% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। एक बार जैन साहब से जरा इसके बारे में पूछते हैं। जैन साहब जरा देखें, कल्याण ज्वेलर्स एक तो गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं, दूसरा प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, फंड से करीब 2.5% इक्विटी खरीदी है सर। या बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होती है प्रमोटर्स का बढ़ाना, और इनफैक्ट कल्याण ने तो गजब का किया ही। और इस सेक्टर से हमने बहुत कम स्टॉक्स को जनरली रेकमेंड करते हैं, ज्वेलरी की बात आती है तो टाइटन पे चली जाती है नजरें, कल्याण ज्वेलर्स यस समहाउ मैं इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं कर पाया। मैंने गोल्डायम दिया था और बजट के नेक्स्ट डे भी दिया था, वो भी गजब का चला, जहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी भी है और गोल्ड के जब भाव बढ़ते हैं तो इनके इन्वेंट्री के भाव भी बढ़ते हैं, और जो अभी कस्टम ड्यूटी घटने से इनको वैसे ओवरऑल बहुत फायदा मिलेगा, डिमांड में भी बढ़ोतरी आएगी। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सारे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, और कल्याण ज्वेलर्स की अगर रीच भी देखें और प्लस सेंको गोल्ड के मैनेजमेंट को मैंने टीवी पे सुना था और देखा भी है किस तरीके से वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सो ओवरऑल दीज ज्वेलरी स्टॉक्स, जो पास्ट में जो ज्वेलरी स्टॉक्स में कंफर्ट नहीं आता था, अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो गए जिनमें कंफर्ट आ रहा है, और बिल्कुल ज्वेलरी स्टॉक्स चलेंगे भी आगे, और गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइजेस भी बढ़ रहे तो इनको फायदा मिलेगा। और ऐसा, और जिस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड्स की ग्रोथ हुई है, तो डायमंड की ज्वेलरी के ऊपर थोड़ा सा जब फोकस कम हो जाता है तो सर्टेनली जो डायमंड में जो पैसा जाता था वो कहीं ना कहीं गोल्ड और इनमें जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक्स को पे ध्यान रखना चाहिए, और जिन्होंने लिया हुआ हमारे रिकमेंडेशन पे वो होल्ड करे एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। तो ये है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ भी आप इस पर मेंटेन कर सकते हैं व्यू। बट बड़ी मूव आ रही है, 10% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है।